कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के जड़गांव गांव में आदिवासी मीणा समाज का चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मीणा समाज के कुल 31 जोड़ों का पारिकरण संस्कार हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राम नारायण मीणा ने हिस्सा लिया, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर राम नारायण मीणा, संभागीय अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा, युवा नेता भानु प्रताप सिंह और चेतन पटेल कोलाना ने भी हिस्सा लिया। समारोह में मुख्य रूप से समाज के कुल 31 जोड़ों का विधि विधान के साथ पाणिग्रहण संस्कार हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग सम्मेलन में मौजूद थे। सभी ने नवनिवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद दिए और मंगल शुभकामना भी दी। इस मौके पर सम्मेलन में कमेटी अध्यक्ष राम प्रताप मीणा ने बताया कि सम्मेलन में विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, जड़गांव सरपंच ओम प्रकाश मीणा समेत कई समाज के पदाधिकारियों द्वारा सराहनीय योगदान दिया गया और नवनिवाहित वर वधुओं को जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी भेंट की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने मुख्य रूप से समाज एकता पर जोर दिया और कहा कि आज समाज को खर्चीली शादियों से दूर होकर विवाह सम्मेलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी मन की बात कही और समाज एकता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी नेता एक कदम पर बैठेंगे तभी समाज का उत्थान होगा। समाज को चाहिए कि शिक्षा अधिक बढ़े और समाज का विकास शिक्षा से ही होगा। और जो ज्यादा मैं तो देखो आपको बताऊं, एक दफा चुनाव लड़ने आया था एमएलए का, एमपी ने तो आप हिंदुस्तान को बता दिया कि कोटा में कोई समाज रहता है, उसके लिए तो हिंदुस्तान की जनता ने और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये गलत फहमी में कोई नेता कोई पार्टी नहीं रहे, ये समाज को पूरे समाज एकजुट है, मौका आएगा तो समाज सभी समाज को साथ लेकर के वापस स्थिति हो जाएगा। के साथ लग जाएंगे, राजपूत में लग जाएंगे, चार में लग जाएंगे, हम सबके साथ लगते हैं, सुंदर सब लग लेते हैं, लोग लगेंगे, लेकिन मौका आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा वो चीजें हम अलग से बात करेंगे। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा था बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सी बातें फिर करेंगे। मैं तो आज तो वरवधु को शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ वर में बढ़ावने के नाते, और आपसे विनती करता हूँ कि हम सब झाड़गांव की एकता से शपथ लें। आज की बात नहीं कर रहा हूँ सम्मेलन की, मैंने पहले भी देखा है जब जुड़ते हैं तो योग कर रहे की बात कर रहे की योग पढ़े देखो अपना कितना देखो, जो वैसी की वैसी की हम सबको कहना चाहिए, सभी गांव को कहना चाहिए। और जब हम किसी का साथ देते हैं बहुत हमारा साथ दें, तो जो कमी है उसकी पूर्ति करो, मैं तो आपके साथ रहूंगा। मैंने तो एक दफा आया था, आंधी पानी में मुझे